हेलो गाइस, मैं हूँ गोल्डी और मेरी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ चंपारण की एकदम फेमस रेसिपी जिसका नाम है हांडी चिकन। जी फ्रेंड्स, आज मैं जो चिकन बनाऊंगी उसे हांडी में बनाऊंगी और बहुत ही डिलीशियस ये चिकन बनकर के तैयार होता है हांडी में। सर्दियों में अधिकतर लोग हांडियों में ही चिकन बनाते हैं और ये चिकन की रेसिपी बहुत ही फेमस है। अधिकतर देशों में इस रेसिपी को ट्राई किया जाता है, स्पेशली ठंडियों में, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी एक रेसिपी बताई थी जिसका नाम था हांडी मटन, जो कि मैंने चंपारण की तरह बनाई थी, बहुत ही टेस्टी वो भी है। चंपारण की हांडी चिकन और हांडी मटन की रेसिपी बहुत ही इजी है बनाना। मैं आज आपको हांडी चिकन की रेसिपी बताऊंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसे जरूर ट्राई करिए गाइज। और बिगनर से लेकर एक्सपर्ट तक सभी लोग इसे इजिली बना सकते हैं। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में एक छोटी सी घंटी उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी से भी इरिटेटिंग लग रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिए, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, थोड़ा टाइम लगेगा इसे ठीक होने के लिए। सो गाइज, आई एम रियली सॉरी। तब तक के लिए आप मेरे इस रेसिपी को देखिए, ट्राई करिए गाइज। चंपारण स्टाइल हांडी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 800 ग्राम के करीब चिकन लिया है, जिसे मैंने पहले ही वॉश करके रख दिया था साइड में और अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी। मैं इसे मैरिनेट करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ दही। लगभग मैं इसमें 50 ग्राम के करीब दही ऐड कर दूंगी। अगर आप दही नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। वैसे चंपारण में दही नहीं डाली जाती है, बट दही मैं इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना होता है, तो इसलिए मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून के करीब। थोड़ा सा मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दूंगी। नमक डाल देने के बाद अब मैं इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करूंगी। आप चाहें तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड नहीं करूंगी। सबसे पहले हम इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप दही नहीं खाते हैं या फिर चिकन को मैरिनेट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैरिनेट करने से क्या होता है कि जो भी हम इसमें मैरिनेट करेंगे उसका फ्लेवर पूरा चिकन में चला जाएगा, तो इसलिए मैंने इसे मैरिनेट कर दिया है। तो अब मैं इसे ढक करके लगभग आधे घंटे के लिए साइड में रख दूंगी। तब तक मैं मसालों को तैयार कर लेती हूँ। हांडी चिकन के मसालों को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बोल और इस बोल में मैं ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। लगभग आधा किलो के करीब हमें प्याज को इसमें ऐड करना है। हमने यहाँ पे प्याज को लंबे लंबे और पतले पतले पीसेस में कट किया है, लगभग आधा किलो के करीब ये प्याज है। और आप चाहें तो इसे एकदम छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं ताकि प्याज एकदम अच्छे से गल जाए। बिल्कुल भी मोटा प्याज नहीं रखना है, या तो आप इसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लीजिए या फिर छोटे छोटे पीसेस में आप इसे कट करके तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे जो लहसुन की कलियों को छील करके रख लिया है और मुझे इसका पेस्ट तैयार करना है। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 इंच के टुकड़ों में कटा हुआ अदरक ले लिया है। तो इन दोनों को आप चाहें तो सिलबट्टे पे अच्छे से पीस लीजिए या फिर मिक्सर जार में से डाल करके ग्राइंड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे इसे मिक्सर जार में डाल करके ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए, हमें इसे हल्का सा दरदरा रखना है, एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, तभी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और हम इसे हांडी बना रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स को खड़ा खड़ा रखा है। तो आइए अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देती हूँ। तो खड़े मसालों में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची ले ली है, थोड़ी सी जावित्री ले ली है और मैंने यहाँ पे थोड़े से लौंग ले लिए हैं, छोटी इलायची ली है 4 से 5, बड़ी इलायची ले ली है मैंने 2, तेज पत्ता लिया है 3 से 4, थोड़ा सा मैंने जीरा ले लिया है लगभग आधा छोटा चम्मच और मैंने यहाँ पे दालचीनी की स्टेप्स ले ली है लगभग 2 से 3 और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ले लिया है जायफल, हल्का सा, एकदम छोटा सा हमें चाहिए। तो अब मैं इन सभी खड़े मसालों को इस प्याज वाले बोल में ऐड कर दूंगी और जो जायफल है उसे एकदम अच्छे से क्रश करके हमें डालना है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे जायफल को भी क्रश कर लिया है तो इसे भी मैं इस बोल में ऐड कर दूंगी। खड़े मसालों के साथ अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 खड़ा लहसुन और चिकन के साथ लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसमें लहसुन ऐड किया है। साथ ही मैं इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी। तो स्पाइसी बनाने के लिए अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ हरी मिर्च, उसे भी मैं पूरा खड़ा ही डालूंगी, बिल्कुल भी काटना नहीं है। अगर आप थोड़ा सा तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। और अब मैं इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए ऐड करने वाली हूँ नमक, वो भी स्वाद के अनुसार। नमक डाल देने के बाद अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी। तो आइए सबसे पहले मैं मस्टर्ड ऑयल को गरम कर लेती हूं। तो मैंने यहाँ पे गैस पे एक छोटा सा बर्तन रख दिया है और इसमें मैं ऐड करूंगी मस्टर्ड ऑयल। लगभग 100 से 150 ग्राम के करीब हमें मस्टर्ड ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सरसों का तेल।
और अब मैं इस सरसों के तेल को एकदम अच्छे से गरम कर लूंगी। जब ये ऑयल गरम होगा तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों में इसकी धार लगेगी और ये हल्का सा पतला हो जाएगा, तो समझ जाइए कि ऑयल एकदम अच्छे से गरम हो गया है। और ये लीजिए, ऑयल हमारा एकदम अच्छे से गरम हो गया है। तो अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं प्याज वाले मिक्सर में इसे ऐड कर लूँगी। ऑयल हमारा हल्का सा ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसे प्याज वाले मिक्सर में ऐड कर दूँगी। मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच के करीब पोस्तों का दाना, जिसे खसखस भी कहा जाता है। ये देखिए, एकदम छोटा छोटा दाना होता है पोस्तों का दाना, यानी कि खसखस हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं और ये इजिली आपको मार्केट में और मसालों के साथ स्पेशली मिल जाएगा। और इसे स्वीट्स भी बनाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी स्वीट्स बनते हैं इसके, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए गाइस। तो अब मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करूंगी अपने हाथों से। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जो हमारे बिगनर्स है वो भी चंपारण स्टाइल हांडी चिकन अपने घर पे बना करके तैयार कर सके। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसे साइड में रखूंगी और कुछ सूखे मसाले बना करके तैयार कर लूंगी जो हांडी चिकन में हम डालने वाले हैं। सूखा मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्लेट ले लूंगी और इस प्लेट में मैं ऐड करूंगी एक छोटा चम्मच के करीब जीरा पाउडर। अगर आप जीरा पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जीरा पाउडर ऐड करिए, या फिर आप इसमें साबुत जीरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टेबल स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन मसाला, जो कि नॉर्मली आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। लगभग एक से डेढ़ बड़ा चम्मच के करीब हम इसमें चिकन मसाला ऐड कर देंगे। चिकन मसाला डाल देने के बाद अब मैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एकदम अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और ये लीजिए, हांडी चिकन के लिए सूखा मसाला बन करके तैयार हो गया है। तो अब मैं जल्दी से हांडी चिकन बना करके तैयार कर लेती हूँ। हांडी चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक हांडी ले ली है और लगभग इसमें एक से डेढ़ किलो के करीब आप इसमें चिकन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं जो इसके ऊपर का मुंह है वो फैला, यानी चौड़े मुंह वाला आप इस तरीके की हांडी लीजिए। अगर आप छोटे मुंह वाला लेते हैं तो उसमें आपको स्टर करने में प्रॉब्लम होगी और दूसरी बात आप इसमें देख भी नहीं सकते हैं कि अच्छे से जो हमारा चिकन है या मटन है वो पका है कि नहीं। तो आप इस तरीके की हांडी का इस्तेमाल करिए। इस तरीके की जो हांडी है आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगी, वो भी बहुत ही सस्ते में, अगर आप इसे ऑनलाइन भी परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसे परचेस कर लीजिए। बहुत ही सस्ते में ये हांडी मिल जाती है और मैंने इस हांडी को एकदम अच्छे से वॉश करके लगभग दो घंटे पहले इसे धो करके सुखा लिया है और आप देख सकते हैं एकदम क्लीन है हमारी हांडी। और अब मैं इस हांडी को करूंगी कोट। तो कोट करने के लिए मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है, लगभग दो बड़े चम्मच हमने इसमें घी ऐड किया है। आप चाहें तो सरसों के तेल से इसे कोट कर सकते हैं। और घी डाल देने के बाद हमें इसे चारों तरफ इस तरीके से फैला लेना है। ये देखिए, अगर आप हांडी को कोट नहीं करेंगे और इसमें डायरेक्ट चिकन ऐड करेंगे तो चिकन जल सकता है, तो इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी ताकि चिकन हमारा जले नहीं और भी टेस्टी बन करके तैयार हो। तो अब मैं इसे गैस पर रख दूंगी। हांडी को हम हाई फ्लेम पे गैस पे रख देंगे और हल्का सा हांडी जैसे ही गर्म हो जाएगी मैं इसमें तैयार किया हुआ प्याज का मिक्सर ऐड कर दूंगी। और ये देखिए, हांडी हमारी एकदम अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब मैं इसमें प्याज का मिक्सर ऐड कर दूंगी जो कि हमने मसालों के साथ बना करके तैयार किया था। प्याज के सारे मिक्सचर को इसमें डाल देने के बाद अब मुझे इसे एकदम अच्छे से फैला देना है ताकि प्याज चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। हम प्याज को पहले इसलिए पका रहे हैं ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। अगर आप मटन बना रहे हैं तो सभी इंग्रेडिएंट्स को आप एक साथ इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जब आप इसे हांडी चिकन बना रहे हैं तो थोड़ा सा प्याज को पकाना ज़रूरी है क्योंकि चिकन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए, मैंने इसे चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है। तो अब मैं इसे मिट्टी के कटोरे से अच्छे से ढक दूंगी। लगभग 7 से 8 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से पकने दूंगी, फ्लेम को मैं मीडियम कर दूंगी। और ये लीजिए फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो आइए अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। और ये देखिए, जो प्याज है वो हल्के हल्के से पकने शुरू हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं प्याज। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से हांडी में पक रहे हैं। मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ इसे। और ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ड्राई मसाले भी ऐड कर देती हूँ ताकि वो भी एकदम अच्छे से इसमें पक जाए।
हम इसमें तैयार किया हुआ पूरा ड्राई मसाला ऐड कर देंगे और अब मैं इसे फिर से अच्छे से मिक्स करते हुए पकाऊंगी। हमें इसे पहले एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद मैं इसे ढक करके फिर से थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि प्याज हमारे और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। प्याज और मसाले को हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब मैं इसे फिर से ढक करके लगभग 8 से 10 मिनट के लिए पकने दूंगी और बीच बीच में हमें इसे चेक करते रहना है ताकि प्याज हमारे जले नहीं। और ये लीजिए, मैंने इसे ढक दिया है और अब मैं इसे 8 से 10 मिनट बाद चेक करूंगी। प्याज और मसाले को पकते हुए हांडी में 10 मिनट हो चुके हैं, तो आइए अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। और ये देखिए, वाओ, कितने बढ़िया तरीके से प्याज और मसाले हमारे पक गए हैं। और आप देख सकते हैं प्याज एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने इसे बीच बीच में चेक किया था इसलिए ताकि प्याज हमारे जले नहीं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चिकन, जो मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रख दिया था। चिकन को हांडी में ऐड करने के बाद अब मैं इसे चारों तरफ इस तरीके से फैला दूंगी, ये देखिए, ताकि चारों तरफ से अच्छे से पक जाए और बिल्कुल भी जले नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितने अच्छे से चेंज हो गया है जैसे इसमें चिकन गया है। तो अब मैं इसे ढक करके लगभग 15 से 20 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पे पका लूंगी। तो आइए मैं इसे मिट्टी के बने हुए कटोरे से इसे ढक लेती हूँ। अगर आपके पास हांडी को ढकने के लिए मिट्टी का कोई कटोरा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, स्टील के कटोरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब मुझे इसे चारों तरफ अच्छे से सील करना है ताकि जो इसकी खुशबू है, जो उसका सौंधापन है, वो बाहर ना आए, वो सारा चिकन में चला जाए। तो मैं इसे आटे से इस तरीके से सील कर दूंगी। ये देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, हमें थोड़ा सा ऊपर आटे को ले जाना, थोड़ा सा नीचे, ताकि चारों तरफ से अच्छे से सील हो जाए और जो इसकी खुशबू है वो इसी में रह जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, हांडी को मैंने एकदम अच्छे से चारों तरफ से सील कर लिया है। तो अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। और जब चारों तरफ से आटा एकदम अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी। हांडी चिकन को पकते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे एकदम धीमी आंच पे पकाया था। और आप देख सकते हैं चारों तरफ का जो आटा है वो हल्का सा ड्राई भी हो गया है। तो अब मैं इसे कट करके और आपको चेक करके दिखाती हूँ कि चिकन हमारा पका है कि नहीं। बहुत ही आराम से ये प्रोसेस करना है फ्रेंड्स, क्योंकि जो ऊपर का ढक्कन है वो भी हल्का सा गर्म होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया तरीके से चिकन हांडी में पक गए हैं और इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ और ये देखिए, वाओ, कितने बढ़िया तरीके से चिकन पका है और ये ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन नीचे से जो मसाले हैं वो हल्के से जल रहे हैं, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी। लगभग 1/4 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है। पानी डाल देने के बाद अब मैं इसे फिर से अच्छे से स्टर कर लूँगी और मैं इसे लगभग 5 मिनट के लिए फिर से ढक करके पकाऊँगी एकदम धीमी आँच पर, ताकि जो पानी है वो थोड़ा सा पक जाए इसमें। और ये लीजिए फ्रेंड्स, 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और हांडी चिकन हमारी तैयार हो गई है एकदम बढ़िया चंपारण स्टाइल। तो अब इस स्टेज में मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और इसे सर्व करूँगी एक प्लेट में। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी लाजवाब हमारी हांडी चिकन बनकर के तैयार हो गई है। तो जल्दी से मैं इसे प्लेट में सर्व कर लेती हूँ और इसे आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, तो मैं जल्दी से इसे सर्व कर लेती हूँ। और अब मैं इसे थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी बारीक कटे हुए हरे धनिया के साथ। आप इसे थोड़ा सा अनियन के स्लाइसेस के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, इसे डेकोरेट कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। सो गाइज, आपने देखा कि हमने कितनी इजी वे में हांडी चिकन अपने घर पे बना करके तैयार किया है और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है गाइज। जो हांडी का जो सौंधापन है वो सब चिकन में जाता है और मसालों का जो फ्लेवर वो भी सब चिकन में जाएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा गाइज। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। आपने पहले भी मेरी एक चंपारण की रेसिपी देखी होगी जिसमें मैंने हांडी मटन बना करके तैयार किया था, वो भी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना था। तो इन दोनों ही रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स।
सो गाइज, आपने देखा कि हमने कितने इजी वे में हांडी चिकन बनाया, वो भी अपने घर पे। आप चाहें तो इसे गैस पे ना बना करके, जो गोहरा होता है उस पे आप इसे सुंघा करके भी बना सकते हैं, चूल्हे पे बना सकते हैं, सब पे ये बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होता है। फ्रेंड्स, तो अब देर नहीं करेंगे, जल्दी से मैं इसे इंजॉय करती हूँ। तब तक के लिए आप मेरा ये वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में एक छोटी सी घंटी उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी सोशल मीडिया पर शेयर करिए, ताकि मेरी ये रेसिपी सभी तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज किचन। बाय बाय फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।